मंदसौर की नारायणगढ़ थाना पुलिस ने करीब 7.5 लाख की कीमत का 404 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। नारायणगढ़ TI तेजेंद्र सिंह सेगर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान पासिंग एक ट्रेलर में अवैध डोडा चूरा की तस्करी कर राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा है। तत्काल कार्रवाई की जाए तो आरोपी गिरफ्त में आ सकता है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने बूढ़ा रोड बादरी फंटा बालाजी मंदिर के सामने नाकाबंदी कर ट्रेलर क्रमांक RJ09GA8955 को रोक कर चालक सोनू पिता नीर सिंह रावत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गोवलिया थाना भिनाय जिला अजमेर राजस्थान और एक अन्य साथी मोटा सिंह लोकेश पिता धनराशि रावत उम्र 19 वर्ष निवासी गोवलिया थाना भिनाय जिला अजमेर को हिरासत में लेकर ट्रक की तलाशी लेने के दौरान छुपा कर रखे 20 प्लास्टिक के कट्टों में 404 किलो 64 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 7,29,000 रुपये आंकी जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ लाने और ले जाने के संबंध में पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।